हमारे
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर माहिती और निरूपण यानी मालूमात की अकाशी। मालूमात की अकाशी, मालूमात की अकाशी में हम कुछ किस्में सीखे थे। मालूमात असतत आवृत्ति वितरण, सतत आवृत्ति वितरण, संचयी आवृत्ति वितरण। असतत आवृत्ति वितरण में हम लोग जो तादाद दी हुई थी उसको किस तरह दर्जाबंदी करना वो सीखे थे। सतत आवृत्ति वितरण में भी हम लोग दर्जाबंदी करना सीखे थे। असतत आवृत्ति वितरण तीनों तीन स्टेप अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मालूमात की अकाशी को क्या बोलेंगे? मजरूत वजन की तकसीस, मजरूत वजन की तकसीस। मजरूत वजन की तकसीस में हम लोग इस तरह का कुछ सीखे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 3, 1, 2, 0। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह रखना सीखा था, असतत आवृत्ति वितरण को इस तरह से आवृत्ति बनाना सीखा था। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 साइन, 1 है यहाँ पर 1 का निशान, 2 के सामने 2 निशान, 5 के सामने 1 निशान, 4 के सामने 1 निशान, 3 के सामने 1, 2 के सामने 1, 1 के सामने 1, 4 के सामने 1, 5 के सामने 1, 5 के सामने 1, 3 के सामने 1, यहाँ पर 1 के सामने 1, 2 के सामने 1 और 0 के सामने 1। और उसके हम लोग यहाँ पर तादाद लिखना सीखे थे। यहाँ पर इसकी तादाद लिखेंगे 2, 3, 3, 2, 2 और 3। ये इसकी आवृत्ति होगी, वजन तालू। ये हो गया असतत आवृत्ति वितरण, जहां पर इस तरह के नंबर्स बनते हैं उसको असतत आवृत्ति वितरण कहा जाता है, यानी मजरूत वजन की तकसीस। दूसरा नंबर सतत आवृत्ति वितरण, मुसलसल वजन की तकसीस। सतत आवृत्ति वितरण में मुसलसल वजन की तकसीस जब नंबर 2, 4, 6, 8, 10 से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर 15 और 25 और 55 75 85 87 41 18 81 20
55 के सामने एक, 75 के सामने एक, 85 के सामने एक, 41 एक, 18 के सामने एक, 81 के सामने एक, 20 के सामने एक, 36 के सामने 44 और यहाँ पर 59 उगण साहिब के सामने एक और यहाँ पर तालुक पंचायती 3-2-2-1-2-1-2 यहाँ पर तालुक पंचायती जमात वाला, तो इसे बोलते हैं मुसलसल वर्षन की तकसीस यानी सतत आवृत्ति वितरण। असतत आवृत्ति वितरण के बाद सतत आवृत्ति वितरण अभी हम लोग यहाँ पर सीख चुके। संचयी आवृत्ति वितरण यानी मजमुई वर्जन की तकसीस। संचयी आवृत्ति वितरण में इस तरह की आवृत्ति दी हुई होती है, जैसे कि दो आवृत्ति दी हुई होती है 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 10, 15, 18, 16, 9 इस तरह की दो आवृत्ति हमको दी हुई है और कहा गया है कि संचयी आवृत्ति वितरण बनाओ। संचयी आवृत्ति वितरण को हम लोग बोलेंगे मजमुई वर्जन की तकसीस। संचय यानी निराकरण करना, संचय। अब यहाँ पर 0 हम लोग इसकी आवृत्ति लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 10, 15, 18, 16 और 9। अब इसको हमको संचयी आवृत्ति वितरण बनाने के लिए पहले में 10, 10 और 15 उसको मिला देंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर ये 25 और 18 को मिला देंगे तो हो जाएगा 8 और 5, 2, 3 और 4 उसके बाद यहाँ पर 43 और 16 को मिला देंगे 6 और 3, 9 और 4 और 1, 5 59 और 9 को मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 68। ये हो गया संचयी आवृत्ति वितरण। इसके बाद हम लोग सीखे थे से कम से ज़्यादा वाली वर्जन की तकसीस। से कम से ज़्यादा वाली वर्जन की तकसीस बहुत बार बताई थी, भूल चुके होंगे, हम लोग फिर एक बार उसका रिवाइज कर लेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पर रकम में लिखा हुआ है, एक रकम हम लोग यहाँ से लेके उठा लेते हैं 25 से लेके 30, 30 से लेके 35, 35 से लेके 40, 40, 45 45 से 50। अब हमको इसको थी ओछा प्रकार का आवृत्ति वितरण बताना है। संचयी आवृत्ति वितरण ये पहले हमने सीखा असतत आवृत्ति वितरण, उसके बाद हम लोगों ने सीखा सतत यानी मुसलसल वर्जन की तकसीस, उसके बाद हम लोगों ने सीखा संचयी आवृत्ति वितरण मजमुई वर्जन की तकसीस। इसके अंदर से कम और से ज़्यादा की किस्में होती है और से कम वाले रकमे में से कम वाली आवृत्ति में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किस तरह आवृत्ति बनाई जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 25, 15, 18, 21 अब यहाँ पर हम लोग इसको से कम के आवृत्ति वितरण में बनाएंगे।
यहाँ पर से कम वाला संचयी आवेश के वितरण बन गया हमारा। इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना है, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट करने के बाद पहला नंबर यहाँ पर हम लोग इसके सामने लिखेंगे और हर नंबर यहाँ पर हम लोग प्लस करते जाएंगे। हर नंबर प्लस करने के बाद आखिरी नंबर हमको मिल जाएगा। इसी तरह से ज्यादा वाला संचयी आवेश के वितरण बनाएंगे। थी वधु प्रकार नो संचयी आवेश के वितरण से ज्यादा वाला मजमूई वर्जन की तकसीस। पंद्रह से बीस, बीस से पच्चीस, पच्चीस से तीस, तीस से पैंतीस, पैंतीस से चालीस, दस, पच्चीस, तीस, पंद्रह, इक्कीस। इससे पहले हम लोगों ने जो बनाया था वो सेकम वाला संचयी आवेश के वितरण था, सेकम वाला मजमूई वर्जन की तकसीस। अब यहाँ पर से ज्यादा वाला मजमूई वर्जन की तकसीस। इसमें भी हम लोग इसी तरह पंद्रह से स्टार्ट करेंगे, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस और चालीस। सेकम में हमने जीरो ऊपर से स्टार्ट किया था, से ज्यादा में जीरो नीचे से स्टार्ट करना है। सेकम में हमने जीरो ऊपर से स्टार्ट किया था, से ज्यादा में जीरो नीचे से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर पैंतीस जो है उसके सामने हमको लिखना है इक्कीस। इक्कीस प्लस पंद्रह कितना आएगा? इक्कीस प्लस पंद्रह पाँच और एक छः और तीन, छत्तीस प्लस तीस तो ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स। सिक्सटी सिक्स प्लस पच्चीस, छः और पाँच ग्यारह, छः सात नौ और नाइन्टी वन प्लस दस तो ये हो जाएगा एक सौ एक। तो सेम हम में हमको नीचे से जीरो स्टार्ट करना है और ऊपर तक प्लस करते जाना है। से ज़्यादा में और सेम हम में जीरो ऊपर से प्लस स्टार्ट करना है और नीचे तक सब प्लस करते जाना है। से ज़्यादा में जीरो नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक सब प्लस करते जाना है। ये हो गया हमारा संचयी आवृत्ति वितरण। अभी हम लोग उसके बाद सीखेंगे बहुविध कोष्टक यानी एक से ज़्यादा मेज। एक से ज्यादा मेज कोष्टक कैसे बनाया जाता है, मेज कैसे बनाया जाता है, मेज बनाना अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ मालूमात लिखूंगी, मालूमात लिखने के बाद मैं उसको एक मेज बनाऊंगी, कोष्टक बनाऊंगी, टेबल बनाऊंगी और उसके अंदर हम लोग सारी एंट्री यहाँ पर लिखते जाएंगे। यहाँ से मैं रकम देखूंगी और उसके बाद यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। चलो अभी एक दाखिला करेंगे। अभी हम लोग मेज बनाना, कोष्टक बनाना। एक यूनिवर्सिटी में अभ्यास करता 50,000 विद्यार्थियों, हर एक रकम को, हर एक लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सवाल के अंदर हमको आधे से ज्यादा गिनती दी हुई होती है और बाकी की सारी गिनती हमको करनी होती है। और अगर रकम हमने ठीक से नहीं पढ़ी तो हमको, अगर रकम ही समझ में नहीं आई तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि दाखिला कौन से तरीके से करना है, क्या करना है, कौन सा चैप्टर और कौन से चैप्टर का दाखिला। रकम जानने के बाद ही हमको पता चलता है कि ये कौन से चैप्टर का दाखिला है, किस तरीके से ये दाखिला करना है। इसीलिए हमको अगर समझ में नहीं भी आता है, उर्दू मीडियम के बच्चे को अगर समझ नहीं भी आता है, दो बार रकम पढ़नी है ठीक से और उसके बाद दाखिला लिखना शुरू करना है। एक यूनिवर्सिटी में अभ्यास करता 50,000 विद्यार्थियों पैकी 35% विद्यार्थियों को कॉमर्स शाखा ना, मैं अभी रकम पढ़ूंगी ध्यान से सुनना है, 30% आर्ट्स शाखाना, 20% साइंस शाखाना, 10% इंजीनियरिंग एंड बाकी ना 5% विद्यार्थी मेडिकल शाखा में है। कॉमर्स शाखा में छोकरा छोकरी प्रमाण 4:3 है। आर्ट्स शाखा में छोकरियों की संख्या छोकराओं की संख्या करता बहुमी है। साइंस शाखा में छोकराओं की संख्या 60% है, जैसे इंजीनियरिंग शाखा में 70% छोकराओ है। मेडिकल शाखा में छोकरा
यहाँ पर भी एक क्लास में कॉलम टोटल की कॉलम बनेगी, टोटल की यहाँ पर टोटल की बनेगी। अब यहाँ पर बनेंगे लड़के गर्ल्स और यहाँ पर होंगे बॉयज। रकम बोलती जाऊंगी और एंट्री करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, उसके बाद था इंजीनियरिंग और उसके बाद था मेडिकल। पांच है। अब यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50,000 यानी 50,000, टोटल 50,000 स्टूडेंट्स हैं। तो कुल कुल में लास्ट में हमको लिखना है 50,000, टोटल सभी के मिलाकर टोटल 50,000 स्टूडेंट है। इसका टोटल लास्ट में यहाँ आएगा और इसका भी टोटल लास्ट में यहाँ पर आएगा, टोटल 50,000 स्टूडेंट्स है। यहाँ पर हमको गर्ल्स कितने हैं उसका टोटल दिखाई देगा, यहाँ पर यानी आर्ट्स में हो गए 15,000। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ टोटल रकम दी, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, तो हम टोटल स्टूडेंट की तादाद लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे जिस तरह हमको आगे इन्फॉर्मेशन मालूम मिलती जाएगी। उसके बाद है 20% साइंस आता है, 20% विद्यार्थी साइंस के 50,000 के 20% कितना होगा? 10,000। ये साइंस शाखा के 10%, इंजीनियरिंग और बाकी ना 5% विद्यार्थी और मेडिकल शाखा में 10% इंजीनियरिंग 50,000 के 10%, इंजीनियरिंग के 5,000 और मेडिकल शाखा के हो गए 5%, यानी 2,500। इसी तरह मेडिकल के भी 50% निकालने हैं, 50,000 के 5% होंगे 2,500। अब इसके बाद कॉमर्स शाखा में छोकरा और छोकरी में प्रमाण 4:3 छे। हमने जेम निकालना, उसका रेशियो निकालना भी सीखा था। 17,500 का रेशियो निकालना है 4:3, तो ये दोनों को प्लस करना है, 4:3 यानी 7, तो 17,500 × 4 के छेद में 7, 7×4 = 25, 25×100 ये हो जाएगा 10,000।
काम करेंगे क्योंकि लड़कों की संख्या दुगनी है, लड़कियों की संख्या एक गुनी है, लड़कों की संख्या एक गुनी है और लड़कियों की संख्या यहाँ पर दुगनी है। तो यहाँ पर इसका प्रमाण निकालेंगे 15,000 लड़की। फिर से एक बार बोलूंगी, लड़कों की संख्या एक गुनी है और यहाँ पर लड़कियों की संख्या मेडिकल